नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड प्रॉपर्टी डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में कोई छोटा सा बजट फ्रेंडली कॉमर्शियल प्लॉट की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों की तलाश खत्म होती है। हमारे पास एक छोटा सा 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट आया है जो कि दो साइड रोड रहेगी, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग ये प्लॉट रहेगा। अगर आप लोग इसमें मॉल खोलना चाहते हैं मॉल खोल सकते हैं, होटल, हॉस्पिटल, गोदाम, प्ले स्कूल, गैरेज, किसी भी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसको ले सकते हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लॉट कहां पर है, सैटेलाइट व्यू के थ्रू मैं आप लोगों को इस प्लॉट पे लेके चलूंगा, और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो दूरी है वो काठगोदाम से कितनी है, और साथ ही साथ ये प्लॉट कहां पर एग्जिस्ट करता है हल्द्वानी में। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं गूगल मैप में। अब हम लोग सैटेलाइट व्यू के थ्रू इस प्लॉट पर चलते हैं। यह है हमारा प्यारा शहर हल्द्वानी, और हल्द्वानी में ये जो एरिया है ये हल्द्वानी मेनलैंड का एरिया है, और ये गोला है, और गोला के जो पार है वो गोला पार है। तो हमारा जो प्लॉट एग्जिस्ट करता है वो प्लॉट है ये, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है कटघरिया चौराहा। इस कटघरिया चौराहे से ये जो रोड जा रही है ये जा रही है काठगोदाम को, यहाँ है काठगोदाम। तो जो रिंग रोड का चौथे सेक्टर का जो मार्ग था जिसको यहाँ पर से इन्होंने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करी, वो जो मार्ग था वो यहाँ पर काठगोदाम से ये वाला रूट फॉलो करते हुए जंगल के किनारे किनारे आ रहा था, और यहाँ पर से ऐसे करके ये लोग यहाँ पर से इसको पनियाली पे लेके जा रहे थे। लेकिन इसकी जब फिजिबिलिटी स्टडी हुई तो यहाँ पर पता चला कि इसमें 3-4 तो पुल ही बनने हैं। यहाँ पर आप लोग ये नदी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पुल बनने हैं। तो अभी जो विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग इसको वैकल्पिक मार्ग के तौर पर देख रहा है, तो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर ये देख रहा है कॉल्टेक्स वाला रास्ता। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कॉल्टेक्स है, कॉल्टेक्स से होते हुए ये जो रास्ता है ये चौड़ा अभी फिलहाल हो चुका है, पंचक्की तक का यहाँ पर इसमें चौड़ा हो गया है। पंचक्की के बाद इसमें नहर कवरिंग होनी है, और यहाँ पर से जो लाल डार्ट पुल है पुल से ये नहर कवरिंग का जो रास्ता है ये चौड़ा हो चुका है चौपला चौराहे तक का। चौपला चौराहे तक का ये पूरा चौड़ा हो गया है। अब इसके बाद चौपला चौराहे से लेके कटघरिया तक का ये चौड़ा होना है, और एक साल तक का इसका जो टाइम है एक साल में ये कम्प्लीट हो जाना है ऐसा बोला गया है। असल में जो 4-लेन पेरिफेरल रिंग रोड है ये लोगों की ही हल्द्वानी जनता की मांग थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ यहाँ यातायात बहुत ही ज़्यादा कंजेशन होते जा रहा है, तो यातायात कंजेशन को दूर करने के लिए पेरिफेरल रिंग रोड जो कि जैसे कि अन्य शहरों में भी बन रहा है तो यहाँ पे भी इसकी मांग थी, और बहुत प्रतीक्षित है। इस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। इस पर इस बीच में थोड़ा सा हमें शासन से ये निर्देश मिले कि इस पर सेक्टरों का डिसाइड कर लेते हैं कि किस कौन कौन से सेक्टर हम लोगों को टेकअप करने हैं। इसमें सेक्टर्स 2 और 3 जो कि मोटा हल्दू से गन्ना सेंटर और मोटा हल्दू से काठगोदाम, ये दोनों NHAI को टेकअप करना था, और इसमें एक सेक्टर 3 जो है वो पूर्ण भी हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो लोक निर्माण विभाग के पास सेक्टर 4 और सेक्टर 1 है जिस पर हमें कार्रवाई करनी थी। सेक्टर 4 जो काठगोदाम से पनियाली होते हुए पीछे से लामा चौड़ पे मिलना था, इसमें भी एक विकल्प के रूप में हम कॉल्टेक्स से पंचक्की, चंबल पुल, चौफुला, कटघरिया मार्ग को ऑप्शन के रूप में ले रहे हैं, और इसमें भी 3.8 किलोमीटर चौड़ा करना रह चुका है जिसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा उस पर EFC में अनुमोदन दे दिया गया है। शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी होने वाला है। तो ये जो प्लॉट है ये चौपला चौराहे से कटघरिया के बीच में आता है। चौपला चौराहे से इसकी जो डिस्टेंस है वो करीब 700 मीटर के आसपास होगी। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को भारत गैस का गोदाम मिलेगा। ये भारत गैस का गोदाम है, भारत गैस के गोदाम के सामने ही ये प्लॉट जो है वो रहने वाला है। ये जो प्लॉट है यहाँ पर से आप लोगों को दो साइड रोड मिलेगी, एक तो ये वाली रोड है, और रोड के बाद यहाँ पर से इसमें एक ही पुराना नाला है, और उसके बाद फिर एक गूल है, और ये जो प्लॉट आप लोगों का रहेगा ये 1400 स्क्वायर फीट का ऐसे प्लॉट रहेगा जिसमें 35 की करीब डेप्थ आ रही है। अगर आप लोग दो लोग मिलकर भी इसको लेना चाहते हैं तो 2 लोग मिलकर भी इस प्लॉट को ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर कॉमर्शियल प्लॉट है, आप लोग इसमें किसी भी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मॉल, होटल, हॉस्पिटल, गोदाम, प्ले स्कूल, गैराज, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसको लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं। बहुत जल्दी इस रोड में जो है वो ग्रोथ होने वाली है, और इसके जो रेट हैं बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अभी इसके जो रेट हैं वो है 11,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की इसके रेट हैं, और ये प्लॉट जो है वो करीब 1.40 तक का बैठ रहा है। और अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं और फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कोई ना कोई आप लोगों को विजिट करा देगा इस प्लॉट को।
और ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग ये प्लॉट रहने वाला है। बहुत बढ़िया प्लॉट है। अगर आप लोग कोई हल्द्वानी शहर में कमर्शियल प्लॉट देख रहे हैं तो यहाँ पर से जो कालाडूंगी रोड है इसमें 20 से 30 हजार का रेट चल रहा है। नैनीताल रोड में 30 से 40, 50 हजार, 60 हजार तक का भी रेट चल रहा है। तो बहुत सही रेट में ये बीच मार्केट के बीच में आप लोगों को एक प्लॉट मिल रहा है। यहाँ पर से जो कनेक्टिविटी है पूरे शहर की है, यहाँ से आप लोग हल्द्वानी शहर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर बाहर को बाईपास वाली कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं कॉमर्शियल तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस प्लॉट को विजिट कीजिए और अपना बना लीजिए। और अगर आप लोग हल्द्वानी शहर में कोई रेजिडेंशियल कॉमर्शियल या फिर शॉप या इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप लोग uttarakhandproperty.in के ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हल्द्वानी शहर में करीब 2000 प्लस प्रॉपर्टी लिस्टेड हैं जो कि डायरेक्ट ओनर से हैं और कुछ यहाँ पर से डायरेक्ट डीलर के थ्रू भी। तो बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टी लिस्टेड हैं। आप लोग अगर सच में कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं अपने लिए तो आप लोग बिना देर करे uttarakhandproperty.in के नंबर को घुमाइए और पूछ लीजिए जानकारी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट बता दीजिए तो वहां पर से आप लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होगा आप लोगों के लिए वो बताया जाएगा। थैंक यू।